हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया एडिटिंग हो चुका है, बैकग्राउंड एकदम पूरा बढ़िया हो चुका है। तो मैं अब इस फ़ोटो को ओपन कर लेता हूं जो मैंने कैमरे से फ़ोटो लिया था। तो फ़ोटो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इसको स्नैपसीड में पहले ले कर चलेंगे, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो स्नैपसीड के अंदर मैं आ चुका हूँ। स्नैपसीड के अंदर के आने के बाद यहाँ देखिए ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा कम कर देंगे। यहाँ देखिए ब्राइटनेस लगभग 20 के माइनस के आसपास। यहाँ कंट्रास्ट को 7 के आसपास रख लेना है। सेचुरेशन को थोड़ा इतना रख लेना है 26 के आसपास, और हाईलाइट को इतना रख लेना है 19 या 17 इतना रख लेना है आपको, 20 के आसपास रखना है। शेडो को इतना इनक्रीज कर देना है दोस्तों। देखिए फिर देखिए बिफोर पहले ऐसा, अब देखिए आफ्टर ऐसा है। अब हम सेलेक्टिव को चूज कर लेंगे, और देखिए चेहरे पर कुछ इस प्रकार से रख देंगे। ब्राइटनेस को थोड़ा इतना बढ़ा लेंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा इतना कर लेंगे 18 के आसपास। सेचुरेशन को इतना माइनस कर लेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर को इतना माइनस कर लेंगे, और यहाँ से डन मार देंगे। और यहाँ से लेके चलेंगे अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए लाइट रूम में जा रहा है फोटो। तो मैं लाइट रूम को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए लाइट रूम के अंदर फोटो आ चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फोटो ओपन हो चुका है, तो यहाँ से मैं ऑटो कर देता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिक, देखिए कितना बढ़िया हो गया बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं, कलर मिक्स पे क्लिक कर लेते हैं, सेकेंड नंबर को चूज कर लेते हैं और इतना रख लेते हैं। इसका लुमिनेस इतना रख लेना है। तो देखिए चेहरे पर थोड़ा वाइट कलर आ चुका है, और यहाँ थोड़ा मैं मतलब ये कलर का रख लूँगा, देख सकते हैं इतना बढ़िया कलर हो रहा है। मैं इतना के लगभग आसपास रख लेता हूँ। देख सकते हैं फर्स्ट में इतना, सेकेंड में इतना रख लेना है दोस्तों। इतना रख लेने के बाद यहाँ फर्स्ट नंबर पर आके वाई को 7 रख लेना है, और इसको 10 के आसपास रख लेना है, और इसको इतना रख लेना है 21 के आसपास। और यहाँ से डन कर देंगे। इफेक्ट पर जाएंगे, क्लियरिटी को इतना बढ़ा देंगे, और वी नेट को थोड़ा माइनस कर देंगे। डिटेल पर क्लिक करके सरप्राइज को इतना दे देंगे। देखिए दोस्तों 13। नॉइज रिट्रोडक्शन को इतना बढ़ा देना है लगभग, कंट्रास्ट को इतना, कलर नॉइज रिट्रोडक्शन को 41 के आसपास रख लेना है, और इन दोनों लास्ट को डिटेल एंड स्मूथनेस को 100 कर देना है, और इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, पहले ऐसा था, अब देखिए ऐसा फोटो बन चुका है। इसको लेके चलेंगे ऑटो डेस्क के अंदर। क्योंकि चेहरे को स्मूथ करना है, तो ऑटो डेस्क एप्लीकेशन में मैं लेके चल रहा हूँ इस फोटो को। तो ऑटो डेस्क एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ स्मूथ कर लेंगे। देखिए सेटिंग कुछ इस प्रकार से है, स्ट्रेंथ को 8 रख लेना है, फॉलो को 4, और साइज को इतना अपने हिसाब से रख लेना है। और चेहरे पर कुछ इस प्रकार से मतलब यहाँ से चला लेना है। देखिए स्मूथ बहुत बढ़िया हो रहा है, देख सकते हैं। थोड़ा साइज को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग आराम आराम से कीजिएगा।
कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया एडिटिंग हो रहा है, फ़ोटो में क्लियरिटी कितना बढ़िया से आ रहा है। तो मैं ये स्मूथ हो चुका है अब फ़ोटो, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो गया। मैं इस फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ। आज तक का इतना ही वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।